सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। टू बी प्रिसाइज, अगर बात करें आज के द हिंदू में, आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत कम चीजें हैं, बट स्टिल वी ट्राइड टू फिगर इट आउट, कुछ तो मिले, ठीक है, तो कुछ मिला भी। और कुछ चीजें ऐसी है जो आपने पहले बोला था मुझे करने के लिए, चीज़ तो मैंने इसमें कर दिया है, तो आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट होने वाला है। एक तो पहले PLI स्कीम, ये देखेंगे PLI स्कीम क्या है और स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से इसको रिलेट करेंगे। ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर टॉपिक है अगर क्लैट पूछता है तो। ड्रिलिंग इन नॉर्थ सी हिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स, तो ये पूछा जा सकता है आपको, मतलब नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल से आप इस चीज़ को लिंक कर सकते हो। तपास UAV, देयर कैन बी आस्क्ड क्वेश्चंस इन द आईलेट एग्जामिनेशन, इंदिरा गांधी मेमोरियल, ट्यूलिप गार्डन, दे कैन बी आस्क्ड। और रेफरेंस आप ले सकते हो कहीं से अगर मन हो तो, ये राजीव गांधी के बर्थ एनिवर्सरी से भी रिलेट हो सकता है। रिसेंटली राजीव गांधी का बर्थ एनिवर्सरी लद्दाख में सेलिब्रेट किया राहुल गांधी जी ने, उनको श्रद्धांजलि दे करके कि भाई हाँ, और बात भी सही है कि भाई ही वॉज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिस टाइम। उसके बाद है राज्यसभा पासेस द जन विश्वास अमेंडमेंट बिल, ये जन विश्वास के बारे में नहीं, सब जितने भी एक्ट्स पास हुए हैं मैंने सब इसमें इनकलकेट कर दिया है इस बार, ठीक है। PLI स्कीम देखिए, तो लास्ट कुछ मंथ से RBI के गवर्नर रघुराम राजन और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक राजीव चंद्रशेखर ने ओवरऑल गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बातचीत किया कि भाई PLI स्कीम कहाँ तक बेनिफिट करेगा, ठीक है, क्या बेनिफिट है भी इस स्कीम को लाना या नहीं। तो ठीक है, बैकग्राउंड देख लेते हैं। पहली बात कि फॉर्मर RBI गवर्नर रघुराम राजन अलॉन्ग विद टू अदर इकोनॉमिस्ट के साथ वो प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव ले रहे हैं कि जैसे अगर मान लो कोई कंपनी प्रोडक्शन में आ रही तो उसे हम बेनिफिट देंगे, उसे सरकार बेनिफिट देगी ताकि उनको बेनिफिट हो। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि भाई ये सेल्फ सफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने के लिए हम करना चाह रहे हैं कि हमारे कंट्री में ही सब कुछ बने, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि ऐसा कुछ प्रोडक्ट निकल के नहीं आ रहा है। उन्होंने वही कहा कि गवर्नमेंट जो यूज़ कर रही है टैक्स पेयर का पैसा यूज़ कर रही है एक ऐसी इकोनॉमी बनाने में जो कि लो लेवल असेंबली जॉब्स है, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी कम आएंगी और एक्सपोर्ट, हमें इम्पोर्ट बहुत बाहर से डिपेंड करना पड़ेगा इम्पोर्ट पे। तो ये एक बेसिक कंसर्न है कि भाई अगर आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो टैक्स पेयर का पैसा जिससे जॉब ही नहीं अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो पा रही है, और हो भी रही तो बहुत लो लेवल जॉब्स आ रही है, तो क्या मतलब ऐसे स्कीम का, है ना। व्हाट इज़ प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव, तो 5 साल पहले गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये कंपनीज़ को चीज़ें बनाने के लिए इंडिया में पैसा देंगी। मैन्युफैक्चरिंग एक की इंग्रेडिएंट है ग्रोथ का किसी भी कंट्री में अगर बात करें तो, ठीक है। तो बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट ने PLI स्कीम लॉन्च किया कि भाई कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिलेगा तो ऑब्वियसली कंपनीज काम करना चाहेंगी। एनुअल पे आउट इज़ बेस्ड ऑन द परसेंटेज, जो आपको सरकारी पैसा मिलेगा वो परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू जितना जनरेट करोगे उस हिसाब पे मिलेगा। बट वही रघुराम राजन की जो कमेटी है उसने कहा भी कि भाई ऐसा कोई मतलब है नहीं इस पे काम करके, बिकॉज क्योंकि एक तो लो स्केलिंग जॉब्स हैं, जॉब्स उतना प्रोवाइड कर ही नहीं रहा है ये, एंड मोर ओवर हमें इम्पोर्ट पे बाहर डिपेंडेंसी दिखानी पड़ रही है अपनी, तो क्या मतलब हुआ। तो डेट्स वाई ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्या चीज़ें हैं। बाकी हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, ड्रिलिंग इन द नॉर्थ सी हिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल कंसर्न। नॉर्थ सी में जो ड्रिलिंग कर रहे हैं, या नाउरू से भी रिलेट कर सकते हो, नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल से रिलेट कर सकते हो, आप इसको और भी चीज़ों से रिलेट कर सकते हो, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म से रिलेट कर सकते हो। दे आर मल्टीपल थिंग्स वेयर यू कैन जस्ट ऐड दिस टॉपिक अप टू, ठीक है। बट अभी जो करेंटली बात करते हैं नॉर्थ सी में ड्रिलिंग की बात हो रही है, तो नॉर्थ सी है कहाँ साहब, तो देखना जरूरी है। नॉर्थ सी, ये रहा UK, ये रहा आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, तो ये रहा नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल, ठीक है, ये वाला। आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन, याद रखना ये चीज़। ये है UK एंड दिस इज एडिनबर्ग एंड दिस इज स्कॉटलैंड, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है स्कॉटलैंड। और अगर हम इन सब को एक साथ जोड़ दें, क्यों हो रहा है ऐसा, अगर हम इन सब को एक साथ जोड़ दें तो इट इज़ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। यहाँ से नीचे आ जाओ, पार करके इधर से तुम पेरिस आ जाओ, तो ये बन जाएगा इंग्लिश चैनल, एंड स्ट्रेट ऑफ डोवर है यहाँ पर। दिस इज़ द नॉर्थ सी। नॉर्थ सी बेसिकली आपको इस पार्ट में आता है टू द नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड वाले रीजन में, दिस इज़ द नॉर्दर्न सी, ठीक है। तो आई होप कि ये बातें याद रहेंगी, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं जिसमें कोई रॉकेट साइंस लगे, बट एक थोड़ा बहुत ज्योग्राफी जिन्होंने पढ़ा होगा, ये जिनके साथ हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया है मैप्स, तो मैप्स के थ्रू वैसे ज़्यादा ज्योग्राफी आसान हो जाती है। आई टेंड टू डिस्कस ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, ये लिटरली मेरी आदत है। आई कांट टीच दैट स्टैटिक पार्ट इन अ टफ हार्ड कोर पैटर्न, क्योंकि आपका एग्जाम पूछता ही नहीं है, आपके एग्जाम को थोड़ा बहुत ज्योग्राफी से मतलब है, वो भी करंट अफेयर्स का ज्योग्राफी, तो वो तो देख लेंगे, है ना। तो ये चीज़ है। चलिए अब वापस आते हैं अपने नेक्स्ट, इसमें भी क्या है न्यूज़ में, क्यों है कि UK के प्राइम मिनिस्टर ने बैक किया है एक प्लान को, उन्होंने कहा है कि नए फॉसिल फ्यूल की ड्रिलिंग की जाएगी ब्रिटेन के कोस्ट पे, जिससे एनवायरमेंटल कंसर्न्स, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट ने कंसर्न्स जताए हैं। इसको आप एक तरीके से और लिंक कर सकते हैं यूनाइटेड नेशंस ICES ट्रीटी अनक्लॉज एंड
इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, ये तीन अथॉरिटीज से आप लिंक कर सकते हैं, प्लस कंट्रीज़ के प्रोडक्ट से लिंक करना है या फिर कंट्रीज़ के इनिशिएटिव से लिंक करना है तो आप नाउरू से लिंक करिए, इसको बहुत अच्छा रहेगा। पॉलिनेशिया वाले रीजन में आप इसको कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म से भी लिंक कर सकते हैं, कल हुए कार्बन हाइड्रोजन वो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, उससे भी आप कहीं ना कहीं ऐड ऑन कर सकते हैं रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव। तो ऐड करने का कोई वो नहीं है, बट एक लिमिटेशन मैं इतना ही बताऊंगा कि तीन तीन जगह से लिंक करो बस काफ़ी है, ठीक है। अब आते हैं नॉर्थ सी ट्रांजिशन अथॉरिटी, क्या ये वो अथॉरिटी जो कि रिस्पॉन्सिबल है ऑयल गैस कार्बन स्टोरेज इन द इंडस्ट्री और कंडक्ट्स करता है 33rd ऑफशोर ऑयल गैस लाइसेंसिंग राउंड्स एंड मूव विल असिस्ट ब्रिटेन इन बिकमिंग मोर एनर्जी इंडिपेंडेंट। कहीं ना कहीं ब्रिटेन खुद को एनर्जी इंडिपेंडेंट करना चाह रहा है, तो इसके लिए वो ड्रिलिंग करना, जिसके कारण एनवायरमेंटल कंसर्न्स हो सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए देखा जाए तो नॉर्थ सी कहाँ पड़ता है ये देख लिया, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू दिस पार्ट। नीचे आते हैं एंड अफ्रीका सी एंड आइलैंड सी आइदर कंपलसरी सराउंडेड बाय द आइलैंड लैंड और कनेक्टेड टू एन ओशन, ये किससे कनेक्टेड है, डोवर वगैरह से कनेक्टेड है, ये हम लोग देख चुके हैं। ये अटलांटिक को नॉर्वेन सी से कनेक्ट करता है। शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ ड्रिलिंग की बात करें, 1958 में जेनेवा कन्वेंशन है जो कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में बात करता है। ट्रीटी 1964 में एनफोर्स में आई, यूके पार्लियामेंट ने कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्ट भी पास किया था जिससे उन्होंने अडॉप्ट किया इस चीज़ को। तो एक थोड़ा सा कंसर्न है कि भाई जो आपके जिसके लिए आपने कर रहे हो आप कैसे ये काम कर सकते हो आप ड्रिलिंग पे, तो ये कुछ कंसर्न्स थे कि भाई क्या क्या है, कौन सी कंपनी एक्सप्लोर कर रही है, तो ब्रिटिश पेट्रोलियम, ये सब देख ही लिया। बट मेन बात यह आती है कि ऑफशोर ड्रिलिंग प्रॉब्लमेटिक क्यों है, तो ऑफशोर ड्रिलिंग प्रॉब्लमेटिक इसलिए है क्योंकि भाई देखो ऑफशोर ड्रिलिंग होगा तो ऑब्वियस है कि जो सी वाटर है उसमें प्रॉब्लम होगा, उसमें मरीन लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है, प्लस SDG से भी रिलेटेड है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लाइफ बिलो वाटर, तो डेट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, सो इसमें भी फोकस कर सकते हैं हम। प्लस इसमें एक चीज़ और देखिए आप कि फुकुशिमा वाटर डिस्प्यूट से लिंक कर सकते हैं इसको, सेम कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं वहाँ भी लगेगा। फुकुशिमा वाटर डिस्प्यूट जिनको नहीं पता, जापान का एक इशू है जिसमें जापान जो है वो न्यूक्लियर वेस्ट को डाल रहा है जापान सी में, जिसके ऊपर भी वो लगाए गए कि भाई रुकिए ये कोई तरीका नहीं हुआ, आप ये जिस आप टाइटेनियम जो डाल रहे हो उसकी लाइफ 12-12.5 साल है, तो बहुत टाइम लग जाएगा उसको डिस्पोज ऑफ होने में, जिस तक कहीं ना कहीं मरीन लाइफ आ जाएगी, हैम्पर हो जाएगी। तो क्या यूके ऑनर कर रहा है क्लाइमेट कमिटमेंट्स, तो ऑब्वियसली नॉट, इससे साफ समझ में आता है कि यूके क्लाइमेट कमिटमेंट को नहीं कर रहा है, प्लस जो पेरिस कन्वेंशन का टारगेट था 1.5 का उसको भी कहीं ना कहीं ये पीछा छोड़ता दिख रहा है। तपास UAV क्यों न्यूज़ में आया, भाई ये DRDO का एक UAV है जो कि क्रैश किया था कर्नाटका के चित्रदुर्ग जगह पे। तो अब क्या है UAV, बस ये देखना है, थोड़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। इसको पहले हम रुस्तम सेकंड के नाम से जानते थे, फीचर्स क्या जाने तो 225 किलोमीटर पर आवर, 20.6 मीटर का विंग स्पैन है, रेंज 250+ किलोमीटर का है, सी बैंड फ्रीक्वेंसी को यूज़ करता है, डेट इज़ इंपॉर्टेंट, कभी कभार पूछ देता है क्लैट कि भाई कौन सा फ्रीक्वेंसी था, तो सी बैंड फ्रीक्वेंसी। ये गगन सिस्टम पे चलता है, ये गगन सिस्टम मैंने आपको बताया भी है, गगन सिस्टम ये एक इंडिया का कहीं ना कहीं आप GPS मान लीजिए कि GPS जैसे है तो GPS वर्ल्ड का है ना, बट गगन सिस्टम इंडिया का है जिसमें इंडिया जो है अपना नेविगेशन सिस्टम चलाता है, और इंडिया का जो नेविगेशन सिस्टम है डेट इज नाविक, ठीक है। 7 सैटेलाइट्स हैं इसमें लगे हुए, और ये KU बैंड का यूज़ करता है, KU बैंड बहुत ज़्यादा मतलब सही रहता है, KU बैंड की जब बात करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में के बैंड कू बैंड ऐसे रहता है, प्लस सैटकॉम इसको चलाता है, प्लस मीडियम अल्टीट्यूड है, सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ था ये फ्लाइट इसकी 2016 में पहली बार, नाविक से इसको लिंक करो बस, बाकी और कुछ स्पेशल इसमें नहीं है। आगे बढ़ें तो इट्स अ रियल टाइम डेटा कलेक्शन है, इस पर 28,000 फीट तक जा सकता है, 180 फ्लाइट से ज़्यादा इसने कंप्लीट किए हैं। एयरो इंडिया 2023 पे भी इसके कुछ अच्छे खासे डेवलपमेंट्स हमें देखने के लिए मिले थे, और ये एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू बनाया गया था, तो ये क्रैश किया, चलिए फिर ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे अच्छे से। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड रिकॉर्ड इसमें एंटर किया गया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एशियाज लार्जेस्ट सच पार्क, एशिया का लार्जेस्ट पार्क। अब ये इस पहले मॉडल हॉर्टिकल्चर सेंटर हुआ करता था ये, इज अ ट्यूलिप गार्डन जो कि श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में है। अच्छा, जम्मू और कश्मीर में मेरा एक टॉपिक बड़ा मन था आप लोगों को करवाने का, बट आज हो नहीं पाया। वो टॉपिक का नाम आई वॉन्ट टू टाइप इट हियर कि भाई उस टॉपिक को आप देखना ज़रूर। जम्मू एंड कश्मीर में आप एक चीज़ देख रहे हो कि आजकल बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है ओपीएम का, ओपीएम तो ओपीएम से रिलेटेड बातें आप पढ़ सकते हो जम्मू एंड कश्मीर में, बस एक कंसंट्रेटेड एफर्ट होगा, ज़्यादा नहीं, एक हल्का फुल्का एक आइडिया रखना है, क्योंकि वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स जताई जा रही हैं पंजाब के जैसा। ट्यूलिप गार्डन इन एशिया ये है, ये 30 हेक्टेयर में है, जाबरान रेंज में है,
डल लेक के पास, ठीक है। अब डल लेक से पैंगोंग शो याद होना चाहिए आपको, पैंगोंग शो कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था। गार्डन 2007 में ओपन हुआ, स्लोपिंग गार्डन है, 48 वेराइटीज़ हैं ट्यूलिप का इसके पास, और ट्यूलिप फेस्टिवल भी मनाया जाता है भाई साहब। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। राज्यसभा जन विश्वास बिल पास किया। अब जन विश्वास बिल है क्या है कि 183 प्रोविजंस को एक साथ लाके उसमें चेंजेस करना, और फिर बहुत सारे उसमें चेंजेस किए गए। उसमें क्या गया कि किसी में इम्प्रिजनमेंट फाइन हटाया गया, किसी में लगाया गया, रिमूव किया गया, इम्प्रिजनमेंट रिटेन किया गया किसी में। तो सो दीज आर द थिंग्स जो मैंने यहाँ पर मैंशन कर दिया है। वॉट नॉट टू बी मिस्ड में ये दो टॉपिक्स है, प्लीज़ इनको एक बार पढ़ना और डाउट नहीं आएगा कोई। वैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चंस एक बार देख लो, फिर आई वांट टू डिस्कस वन थिंग मोर, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द इनहेबिटेड यूएस श्रीलंका, एक अच्छा थी वो, ये तो बहुत बार देख चुके हैं। एंड डच फिजिसिस्ट क्या नाम है, तो भाई कैमरलिंग ओनिस नाम है इनका। विच सिटी इज करेंटली होस्टिंग द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, कौन होस्ट कर रहा है। सो दीज वर द टॉपिक्स जिनको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अब इसमें मेन मेरा कंसर्न ये है कि आप थोड़ा सा इसमें एक चीज पढ़ लो, ये वाला पार्ट, ठीक है। दी वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है, पीआरएस का एक पीडीएफ है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा देखो कि भाई क्या क्या पार्लियामेंट्स में रिलेटेड इस बार बातें हुई, ये ही डेटा आई वांटेड टू डिस्कस, और ये इम्पॉर्टेंट भी है थोड़ा सा, ठीक है। इस बार पार्लियामेंट वाला पार्ट सेशन इम्पॉर्टेंट इसलिए और रहा क्योंकि इस बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था। नो कॉन्फिडेंस के कारण इस बार का पार्लियामेंट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो गया, और ये 30 जुलाई से 11 अगस्त तक चला। इसमें 43% ऑफ इट शेड्यूल टाइम चला, एंड राज्यसभा का फंक्शन 55% रहा। 23 बिल पास किए गए इस टाइम पे। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, कितने बिल्स पास किए गए, 23, 23 बिल्स वर पास्ड, एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन बना इस टाइम पे। 17वां लोकसभा था, 17th लोकसभा। 56% ऑफ बिल इंट्रोड्यूस इन सेशन ऑफ पार्लियामेंट, 3 वर रेफर टू द स्टैंडिंग कमिटी। ये पार्ट भी पढ़ लोगे ना काफ़ी काम हो जाएगा कि 56% टोटल बिल इस बार लाए गए, और पिछली बार देखना अब गिरावट हुई है पहले बार से ना, 217, 189, 175, 102, तो कुछ ना कुछ कमा है, बट हाँ पास इस बार ज़्यादा हुए हैं। टोटल बिल इंट्रोड्यूस्ड, दिस इज द डार्क कलर में है, और उसके बिल पास इन सेम सेशन बाई, उसी सेशन में पास किए गए और कमिटीज को रेफर किया गया। तो 4 को ही रेफर किया गया कमिटीज़ को, 3 को, सॉरी 3 रेफर टू द स्टैंडिंग कमिटीज़। तो ये थोड़ा सा पढ़ने वाली बात है। ये हाई लेजिस्लेटिव एक्टिविटी वाला सेशन रहा, कुछ एग्जांपल्स हैं बिल के, तो क्या क्या भाई कौन से बिल है इसमें, बेहतर तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। गवर्नमेंट ने नेशनल कैपिटल टेरिटरी वाला बिल पास किया, प्लस डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पास किया, फॉरेस्ट एक्ट पास किया, राजस्थान डेथ एंड बर्ड, माइंस मिनरल्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस, एंड डेट जन विश्वास बिल। तो वो भी थोड़ा सा याद रखो, कोई वो अलग से है थोड़ा सा। लोकसभा में 22 बिल्स लाए गए इस बार सेशन में, 20 ऑफ दिस वाज डिस्कस, कुछ घंटों में ही डिस्कस हुआ, बाकी कुछ लंबा भी डिस्कशन चला। राज्यसभा में 10 बिल्स आए जो कि 3 कंसेक्यूटिव डेज में पास हो गए। 8 डेज सम अपोजिशन मेंबर्स ने वॉकआउट किया, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, बट एस्टीज ऊपर वाले फैक्ट्स आप याद रख सकते हो अपने एग्जाम के लिए। क्वेश्चन आवर कितने देर चला, फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस ऑफ द 17th लोकसभा, तो पहला लोकसभा, इस लोकसभा का पहला नो कॉन्फिडेंस भी था, तो वो भी थोड़ा सा इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो व्हाट आई विल से कि ये 2 पेज का पीडीएफ है, इनको एक बार पढ़ना। आई विल शेयर द पीडीएफ इन द टेलीग्राम चैनल, वहाँ से पढ़ लेना, डेट इज इनफ, एंड नो नीड टू रीड मोर एंड मोर ऑन दिस इशू, राइट। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डिस्कस विद मी इन द कमेंट सेक्शन, और जस्ट टेल मी द टॉपिक, आई विल डिस्कस इट इन द वेरी नेक्स्ट डे। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।